इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे? क्यों? यस सर। बहुत बड़ी बात है, मैं अभी आ रहा हूं तुमसे मिलने। यस सर। तुमने उसका दिल क्यों दुखाया? दीदी, मैं इस घर में आई थी उस पांचवें असुर तक पहुंचने के लिए और अपने लिए ऋषभ के दिल में नफरत पैदा करने के लिए। पांचवें असुर तक पहुंचने के लिए मुझे ऋषभ की पत्नी का रूप लेना पड़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकूं। बहुत जाहिर सी बात है कि ऋषभ मुझसे प्यार नहीं करता, वो नफरत करता है मुझसे, वो रीम से प्यार करता है। तो इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मैं ऋषभ को जिंदगी में आगे बढ़ने दूंगी। सबूत मिला मुझे साधने के खिलाफ। कौन है सर, कैसा दिखता है? शिनाख्त तो नहीं मिली, लेकिन हमें इतना पता चला है कि वो इसी इलाके में है, इसी जगह के आसपास। सर पर करना क्या चाहते हैं वो लोग, मकसद क्या है उनका? पहले तो उसकी ये कहानी थी कि वो यमुना में विष घोलकर उसे जहरीला करना चाहता था, और जहां तक हमें पता है ये उन लोगों में से एक है जो आज से 2 साल पहले चंगिस्तान गए थे और वहां एक जरूरी मीटिंग हुई थी जहां इन्होंने देश का सौदा किया था और उसे बेचा था। उनमें से 4 लोगों तो पता ही नहीं किसने खत्म कर दिया। ये वो मसीह है जिसने आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स का काम किया है। मुझे लगता है ये कोई देशभक्त है। देशभक्त तो औरत भी हो सकती है। You're right, sir, बिल्कुल हो सकती है। ये जो भी है, इस मसीहा ने 4 असुरों से हमारे देश को बचाया और सबसे जहरीला है ये 5वां देशद्रोही। ये 5वां आदमी, ये सबसे खतरनाक आदमी है। इसको आज तक किसी ने नहीं देखा। इसकी टीम वाले लोग भी इसका चेहरा नहीं पहचानते। ये छिपा के रखता है अपने आप को और उन लोगों से अपने काम करवाता है। यही इसका स्टाइल है, ये इसका तरीका है। इसके लिए लोग इसे मास्टरमाइंड कहते हैं। कौन है ये, कहां से आया है और कितने सालों से ये काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं जानता। लगता है ये मसीहा के हाथों से भी निकल चुका है। हम इसे ढूंढेंगे, जैसे ही ये हमारे हाथ लगेगा हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि इसी से वो दरवाजा खुलेगा, इससे उन लोगों का पता चलेगा। नहीं तो ये जहर एक एक को ले डूबेगा। हमें इस मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। डोंट वरी सर, मैं अपने सारे सोर्सेस लगाकर उस आदमी का पता लगा लूंगा। विल गिव इट अ बेस्ट शॉट। राइट हो। सुनो, प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर तुम्हें भी बदले में हमारी हेल्प करनी थी। जो तुम्हारे बड़े पापा ललित गुजराल नहीं कर सके वो काम तुम्हें करना है। क्या कर रहे हो? बस कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। बस कोई सुराग मिल जाए जो हमें उस मास्टरमाइंड तक लेके जाए। इस रिकॉर्डिंग में उस 5वें असुर की आवाज है, उस मास्टरमाइंड की आवाज है। तो बस कोशिश कर रही हूँ, बस उसके खिलाफ कोई सबूत, कोई तो सुराग मिल जाए। अगर अब तक होता तो हम रुकते क्या? मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी, पर इस 5वें असुर को छोड़ूंगी नहीं। और उसके बदले में तुम्हें उस लड़की दिया के केस से बचा लूंगा। तुम कुछ हैंडल नहीं कर पाए। मतलब वो रेहान पक्का जानता है कि वो 5वां असुर कौन है। तो बस अब वो रेहान ही हमें उस 5वें असुर तक ले जाएगा। सुमायरा। या? You know, मैंने उस टाइगर को कैसे भगाया? Really? How? क्या कहा तूने टाइगर? कुछ भी बोला, टाइगर को भगाएगा। मुझे रेहान पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, वही मुझे 5वें असुर तक ले जा सकता है। अगर वहाँ टाइगर होता ना तो तेरी फटके 34 हो जाती। अरे ब्रो सच में इतना बड़ा टाइगर था वो मेरे सामने आ गया था ब्रो। बोलेगा हाँ हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोलता। भाई मैं झूठ नहीं बोलता। सच्ची? हाँ सच में इतना बड़ा टाइगर था, उसको उठा के सिर्फ फेंका ना मैंने। हो सकता है क्योंकि ये तो कहीं और था और हम कहीं और। जैसे हम घर पहुंचे हम बड़ी वरिष्ठ थे कि तुम हो कहाँ। चलो अब तो पता चल गया ना कि ये शेर को मार रहा था। ये इतनी अच्छी क्यों बनी जा रही है? यश
आशरात के लिए तुम्हें कुछ प्लान करना चाहिए ना, सबके साथ, क्योंकि वैसे भी कितने कम दिन बचे अब तुम्हारे। बस 2 दिन में तुम वापस चले जाओगे, कुछ करो ना प्लान। वैसे भी हमने कल कुछ किया ही नहीं ना, कुछ मजे करते हैं। यश, तुम्हें ना प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए। अरे भाई, आप किसे कॉल कर रहे हो? रीम को यार, जब वो यहाँ से गई तूने देखा ना कितनी उदास थी, बस यही पूछने के लिए अब वो कैसा फील कर रही है। Nothing else. और फोन ही नहीं उठा रही, लगता है जानती नहीं है कितनी फिक्र है मुझे उसकी। Excuse me. मैं सबके लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। जश्न है? ओके, फिर तो उस डायमंड मर्चेंट की पार्टी में आना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, पहले तुम यहाँ आओ, यहाँ से प्लान आगे बढ़ेगा। ओके डन। अब चाहे मुझे जैसे भी जाना हो, उस पार्टी में तुम्हें जाके ही रहूंगी। सुमैरा, yeah? Get ready. आज रात को एक पार्टी में जाना है। Oh wow, that's great. यश भाई, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ। पार्टी में? Cool. चलो। सी समारा, इट्स अमेजिंग। आज इस पार्टी में हमारे देश के बेशकीमती डायमंड की एक्सिबिशन है। कम ऑन। प्रथा, ये हीरा तो बिल्कुल मणि जैसे लग रहा है। हाँ दीदी, इससे साबित होता है कि वो असुरों का सरदार, वो मास्टरमाइंड, यहीं पे कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। हमें उसे इसी पार्टी में पकड़ना होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे भी आप आ गए, थैंक यू। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पार्टी कम डायमंड एग्जीबिशन है। इस पार्टी में एक बहुत ही बेशकीमती डायमंड की प्रदर्शनी होने वाली है, जो बहुत सालों बाद इंडिया लौट रहा है। सारे चंगेज़स्तान की नजर इस डायमंड पे है। इस डायमंड की खासियत यह है कि ये डायमंड इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली नागमणि जैसा दिखता है, और ये पार्टी कम एग्जीबिशन करण मेहरा ने थ्रो की है। यहाँ इस पार्टी में जब सब लोग जश्न मना रहे हैं, कहीं कोई मास्टरमाइंड है जो कोई ना कोई साजिश रच रहा है। हमें एक फोन आया था, और फोन के ही थ्रू हमें खबर मिली थी कि कोई डील करने वाला है। पता नहीं क्या डील है वो। आपके आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं, और इसीलिए आपको इस पार्टी में इन्वाइट किया गया है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें किसी भी हालत में इस मास्टरमाइंड को पकड़ना ही होगा। कहीं ये वही तो नहीं दीदी, रेहान को जब मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था तो यही हुलिया सुना था, 6 फुट ऊंचा और सर पर हैट। और वैसे भी ये आदमी है कौन, अचानक से हमारे देश में आ गया है और एक पार्टी रखती और सबको इनवाइट किया है। देखो ना, इस पार्टी में सारे नामचीन लोग आए हुए हैं, आखिर ये आदमी है कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ रहे, तो मैं उसके साथ यश के साथ आई हो। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे भी यहाँ का इनविटेशन मिल गया। तो अब मैं समझी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको भी यहाँ का इनविटेशन मिला था, क्योंकि आप यहाँ रीम के साथ आना चाहते थे, उसके साथ वक्त बिताना चाहते थे।
ऑफ कोर्स, ये जानते हुए भी कि मैंने उसे घर के बाहर निकाल दिया था, तो अब घर में तो उसके साथ वक्त नहीं बिता सकते ना आप। तो ऐसे ही बाहर मिलके उसके साथ आप वक्त बिता रहे हैं। अच्छा है, वेरी नाइस। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल केम टू माय पार्टी। चीयर्स। चीयर्स। वेल, प्रथा तो वैसे भी मेरे साथ पैसों के लिए रह रही है, तो जैसे जीना चाहती है अपनी जिंदगी जी, मुझे भी तो रीम के साथ मूव ऑन करना है। मैं यहाँ किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि मुझे यहाँ मेरे देश की आर्मी ने भेजा है मिशन के लिए। मैं यहाँ किसी को पता नहीं चलने दूंगी, मैं यहाँ आई हूँ असुरों के उस सरदार के अंत के लिए, और आज रात को मैं उसका अंत करके रहूंगी। तुम ऋषभ को इसलिए सुना रही थी ना क्योंकि तुम दीदी, मैं बस चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में अपने प्यार के साथ आगे बढ़े। झूठ, तुम ऋषभ से प्यार करती हो, तुम्हारे हर एक लव्ज में उसके लिए प्यार झलक रहा था। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में चाहती हूँ कि ऋषभ अपने प्यार के साथ आगे बढ़ जाए, और ये सिर्फ तभी होगा जब वो मुझे किसी और के साथ देखेगा। और वैसे भी इस वक्त प्यार से बढ़कर मेरा इंतकाम है। आज इस पार्टी में मुझे पता लगाना है ही कि वो करण असली असुरों का सरदार है कि नहीं, और अगर है तो आज ये हीरों की प्रदर्शनी रख के इसके पीछे क्या साजिश रच रहा है। दीदी, मैंने रिहान को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। वाह यार, डैम गुड, क्या प्लान बनाया आपने, आप तो सच में मास्टरमाइंड हो। आज डायमंड एग्जीबिशन शार्प 10:30 बजे शुरू होगा, शार्प 12 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और तब हमें वो हीरा चोरी करना है, वो बेशकीमती हीरा जो कोहिनूर से कम नहीं। हमारे देश में इस बेशकीमती डायमंड के सोचो कितने पैसे मिलेंगे। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा, मैं इस हीरे को म्यूजियम में रखने वाला था, पर इतनी टाइट सिक्योरिटी और निगरानी होने के बावजूद वो चोरी हो गया, और फिर मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। Excuse me, please. तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनविटेशन हमें भी आया है, लेकिन शायद तुम्हारी पत्नी को गलतफहमी हो गई है, नाराज हो गई हो तुमसे। वो मुझसे कुछ नाराज वराज नहीं है, ओके? रियली? लेकिन मैं हूँ। मेरे घर से निकलने के बाद तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की ना ऋषभ। प्रथा से प्यार हो गया है क्या? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते ना? अगर मिस करते एक फोन कॉल तो कर लेते कम से कम, बता दो अगर प्रथा से प्यार ऐसा हो गया। कुछ नहीं है रीन, ये तो गलत वजह से गलत लड़की से शादी हो गई, लेकिन जब सही वक्त आएगा ना तो सही इंसान के पास भेज भी देंगे इसको। लेकिन वो तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। जाएगी, जिस दिन उसे ऐसा इंसान मिल जाएगा ना जिससे वो प्यार करती है, उस दिन मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। तुम बार बार मुझसे कहती हो कि तुम पैसों के लिए मेरे साथ हो, पैसों के लिए मुझसे शादी की तुमने। तुम कहती कुछ हो पर जब मुझे देखती हो तो दिखती कुछ और। तुम्हारी आंखों में कुछ तो दिखता है मुझे, वो क्या है? तुम यहाँ मेरी आंखों के सामने यश के साथ, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आना चाहिए पर मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग है, जेलिसी जैसा, क्या है? तुम इस पार्टी में मेरे साथ ऐसे आई, आई एम वेरी ग्लैड। तुम्हें अगर पता होता कि दैट ऋषभ भी इस पार्टी में आने वाला है तो तुम उसके साथ ही, राइट? नहीं, मुझे उनके साथ आना ही नहीं था, मुझे तो तुम्हारे साथ ही आना था। मुझे भी तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं है, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हारे साथ आए। ये तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया तो आना पड़ा। एनीवेज, यू गाइस कैरी ऑन। वैसे इंडिया के पास इतना बड़ा डायमंड आया कैसे? ये मेरा डायमंड है, इस पार्टी के बाद मैं इसे इंडियन म्यूजियम में सेफली रख दूंगा।
तू यहाँ क्या कर रहा है? वो एक्चुअली मैं वॉशरूम घूम रहा था। अच्छा अच्छा, तो ये वॉशरूम है? वॉशरूम वहाँ है। I'm sorry. ये डायमंड आखिर रात को चोरी कौन करने वाला है? इंस्पेक्टर विजय ने कहा था रात को 12 बजे वो डायमंड चोरी करेगा, पर वो है कौन? पता क्या कर रही हो? सॉरी, वो मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। कॉकरोच? हाँ, वो मुझे लगा कि यहाँ मैंने कॉकरोच देखा था। कॉकरोच कहाँ है? पता नहीं। चलो एनीवे, साथ चलो। कम कम। मैंने रिहान को कहते सुना था कि रात को 12 बजे इस हीरे की चोरी होगी। प्रताप, यू नॉट समथिंग? नहीं नहीं, मैं श्योर। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अपनी हद में रहो। आपने अब तक मेरी हद देखी ही कहाँ है? और बहुत सी दूसरी लड़कियों का बॉयफ्रेंड भी रहा है। ये सिक्योरिटी हीना करना, जो मुझे इतनी हॉट लगती थी, ये तो शॉट मार रही है, मेरी बोल खोल रही है। मुझे समायरा से शादी करनी है क्योंकि ये लड़की अमीर है। समायरा, इसकी बातों पे ट्रस्ट मत करना। डोंट वरी एट ऑल, लड़की सिक्योरिटी इंचार्ज है, लोगों की ग्रुप बुक्स में आने के लिए कुछ भी बोलती है। हीना जी, शांत रहिए, अपने अपने जगह पे रुकिए, मैं अभी देख के आता हूं। ये डायमंड कहां गया? Hands up. देश को बेच रहा था तू? नहीं, मैं कोई देश नहीं बेच रहा था, मैं बस थोड़े पैसे बनाना चाहता था और कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है मुझे, सच बता। बता दूं। रियान ने मुझे कहा था आज के एग्जीबिशन में मुझे हीरा चुरा लाओगा। सरदार, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे किया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे वो फोन कॉल घर पे लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी बात कोई ना कोई सुनेगा। कौन? वो सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा सकती है। तो रिहान ने देख लिया था कि मैं उसकी बातें सुन रही थी, इसीलिए उसने मुझे जानबूझ के इसके पीछे भेजा ताकि मैं इस पे शक करूं और मुझे लगे कि पांचवा सुर ये है, पर नहीं। तो असुरों के सरदार ने इस शेष नागिन को बेवकूफ बना दिया। ये तो बस एक मामूली सा चोर है जो अपने ही हीरा चुरा के अपने गवर्नमेंट से और पैसे बनाने की कोशिश कर रहा था, पर जो असल में हमारे देश को बेच रहा है, जो असली देशद्रोही है, उसने साजिश से मुझे अपने आप से दूर कर लिया है। इसका मतलब रिहान या फिर कोई और जानता है कि मैं शेष नागिन हूँ और मैंने रिहान की सारी बातें सुन ली थी, और ये भी कि मैं यहाँ हूँ। कि करण मेरा वो असुर नहीं है, तो फिर असली पांचवा असुर है कौन?
समझदार मास्टरमाइंड। लोग आपको असुर कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। है तो कहने दो। हाँ, मैंने देश को बेचा है, क्योंकि इस देश ने किसी की कदर नहीं की। लेकिन इस पार्टी में मेरा आर्मी ऑफिसर भाई और पुलिस ऑफिसर दोनों हैं, दोनों ही देश को लेकर बहुत वफादार है। अगर उन दोनों ने करण मेहरा को पकड़ लिया तो नहीं पकड़ पाएंगे। आज मेरे दो प्लान है, अगर करण मेहरा वो डायमंड नहीं चुरा पाया तो मेरा दूसरा आदमी हो जाएगा और डायमंड चुराएगा। इंस्पेक्टर विजय, कौन है तू? हाँ, कौन है तू? कौन है तेरा सरदार? जवाब दे। किसके कहने पे ये काम कर रहा है तू? हाँ बता। मैं नहीं बता सकता, मुझे ये डायमंड लाने के लिए कहा गया था। लेके जाओ इसे। इंस्पेक्टर विजय, हम किसी को नहीं बता सकते कि ये हमारे कैद में, जब तक ये अपने मुंह से सब कुछ सच नहीं बता देता। और ये करण मेहरा एकदम से कहाँ चला गया? करण मेहरा? अब मिस्टर ऋषभ, अब बाहर देखिए, मैं यहाँ पे अंदर देखता हूँ। दीदी, वो रेहान हम पर चाल चल गया है, उसने हमें बेवकूफ बना दिया। हमें पहुँचना कहीं और था और हमें पहुँचा कहीं और दिया है। मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। हमें जल्द से जल्द उस तक पहुँचना होगा, उसे रोकना होगा, पर कहाँ जाए, कैसे उसे रोके? दीदी, मुझे बस डर है कि वो देश में कोई बड़ी तबाही ना कर दे। वो कुछ जरूर करने वाला है दीदी, और बहुत जल्दी करेगा, पर वो असुर क्या करने वाला है पता कैसे लगाए दीदी? आज सबको गुमराह करके मैंने अपना बड़ा काम, सबसे बड़ा प्लान एग्जीक्यूट किया है। मेरा आदमी वहां से निकल चुका है इतने सारे बच्चों को लेकर, और जब बच्चों की बस पानी में गिरेगी, छपा बस में भरा खतरनाक जहर पानी में फैल जाएगा, और देखते ही देखते पूरे देश के लिए चलती फिरती मौत बन जाएगा। ये देश को मैं बर्बाद कर लूंगा। अब शुरू होता है मेरा मिशन। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। दीदी, कैसे पता लगाओ क्या करने वाले ये लोग, क्या प्लान है इनका? यश। हाँ यश। प्रथा, कहाँ हो तुम? कब से ट्राई कर रहे हो हम? वो मैं। अरे तुम भी नहीं, रिहान भी पता नहीं कहाँ फोन पे बात करता हुआ निकल गया। रिहान कहाँ गया होगा? I have no idea. फोन पे बात कर रहा था वो, कहीं चला गया। समारा कब से उसको फोन ट्राई कर रही है। अच्छा, रिहान वहाँ है नहीं, मत हमारे साथ तो नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ गया होगा रिहान? पता नहीं, वो फोन पे बात कर रहा था कुछ यमुना के बारे में। I have no idea कहाँ होगा वो। क्या, यमुना? दीदी, रिहान असुरों के साथ मिला हुआ है। वो यमुना जाने की कुछ बात कर रहे थे, कहीं वो लोग यमुना में फिर से जहर। नहीं दीदी, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। मिस्टर मेहरा, आपको क्या हो गया? ये सब किसने किया? मिस्टर मेहरा, आई थिंक ही इज गॉन मैड। उसका आदमी मेरे पास ही है, मतलब कि ये मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और ही है। वी हैव टू फाइंड आउट। Yeah!
वो इस बस से यमुना में जहर तो नहीं डालने वाला? दीदी आप इस बस को यहाँ से संभालो, मैं आगे से देखती हूँ। हे नागों के नागेश्वर, हे परम शिव परमेश्वर, आज आपकी शेष नागिन आपसे वो रूप चाहती है, वो रूप जिसने अपने ऊपर पूरे विश्व को धारण किया था, वो जो महानाग का रूप है, शेष नाग का रूप। आज आपकी शेष नागिन को शेष नाग का रूप चाहिए, उसे वो रूप दे दीजिए। ओ नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय। मैंने किसी को नहीं बेचा, मुझे तो इस काम के बहुत सारे पैसे मिले थे। पैसे लिए थे, अब जहर भी ले। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। यहाँ तो जहर जैसी कोई चीज नहीं है। रुको रुको, मैं आ रही हूँ। वाओ, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे? लड़की हूँ ना, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग। देखो इन्होंने हमें कैसे बचाया। लेकिन आप लड़की होकर भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे? कहा ना, लड़की हूँ इसीलिए इतनी स्ट्रांग हूँ। पता है लड़कियाँ ना लड़कों से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों की जान बचा ली। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ही भेजा आपको। अरे वो देखो, पानी से बबल्स आ रहे हैं, लगता है वहाँ कोई डूब रहा है।
बाबा 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 उठिए उठिए बाबा बाबा आंखें खोलिए बाबा उठिए बाबा को मैं से नहीं खोएंगे अचानक इतने सालों के बाद बाबा भी मिले हैं कभी सोचा भी नहीं था बाबा मुझे अपने बाबा वापस मिल गए तो मुझे शिव का वरदान मिल गया है अब मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी मैं आज तक नहीं भूल पाई वो रात जब मैंने बाबा को उस महल में खो दिया था अपने पूरे परिवार को खो दिया पर मेरे बाबा बहू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं दीदी ने घर ले चलते हैं लेकिन प्रता चलिए दीदी चलो आराम से प्रथा इतनी रात गए कहां थी तुम कौन है ये जिन्हें तुम उठाकर यहाँ ले आई हो वो ये जख्मी हालत में थे तो प्रथा इन उठाकर लेकर आ गई ये क्या बवाल है नहीं नहीं मतलब रास्ते पर कोई भी ऐसे ही गिरा पड़ा सड़ा हुआ सा आदमी दिखेगा जख्मी हालत में तो ये किससे भी घर में लाकर पटक देंगी चाची तमीज से बात कीजिए प्रथा वो तुमसे बड़ी है तुम इनसे तमीज से बात करो मम्मी जी जिस तरह से इन्होंने इनके बारे में बात की मुझे और फिर मम्मी जी मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू मेरा भी तो इस घर पे कुछ हक है ना और चाची जी ये कोई रास्ते पे गिरे हुए इंसान नहीं है ये आदमी ये मेरे ये मेरे सब कुछ है ये मेरे गुरुजी है आज तक जिंदगी में कुछ भी सीखा है मैंने तो बस इन्हीं से सीखा है इन्हें मैंने जख्मी हालत में देख लिया तो मैं बस इन्हें घर ले आ गई तो मैंने कुछ गलत किया क्या मम्मी जी हाँ तो जख्मी थे तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था ना हॉस्पिटल का इलाज घर पे भी तो हो सकता है ना चाची वैसे भी प्रथा इस घर की बहू है इतना हक है उसका इस घर में और अगर वो अपने गुरु जी की मदद करना ही चाहती है तो उसमें हर्जी क्या ऋषभ हीना तुम रो क्यों रही हो कुछ नहीं हुआ I mean, कोई इतना बेबस एक अजनबी की इतनी जख्मी हालत इनकी कोई फैमिली नहीं है जिसकी कोई फैमिली नहीं होती है फैमिली तो सब कुछ होता है ना यहाँ आप हमारी मदद करिए इनको अंदर लेके जाएंगे मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ सरदार थैंक्स व्यान देखो गिरना नहीं अरे अरे रुको संभाल कर देखो देख थक गई अरे बाबा आपने इसमें कितने पैसे जमा किए कभी गिने नहीं बेटा बस हर महीने कुछ पैसे इस गुल्लक में डाल देता हूँ बाबा ये गुल्लक क्या होता है बेटा ये गुल्लक होता है पैसे का डिब्बा हम इसमें पैसे जमा करते हैं
और मैं इसमें पैसे जमा कर रहा हूँ तुम्हारी शादी के लिए। बेटा तुम्हारी जो माँ है ना वो साधारण इंसान नहीं है। और हमारी शादी भी साधारण तरीके से नहीं हुई थी, मुझे नागिन से प्यार हो गया था। अब खैर छोड़ो उस बात को। बेटा हमारे यहाँ जो नातिन होती है ना वो शेष नागिन बनती है। महक बड़ी है इसलिए ये शेष नागिन बनेगी, और तुम्हें साधारण सी जिंदगी जीनी है इसलिए मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा, सारे अरमान पूरे करूंगा बेटा तुम्हारे, और ये पैसे मैं तुम्हारी शादी के लिए बचा रहा हूँ। पापा मुझे ना बिल्कुल आपके जैसा पति चाहिए। ये देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। चलो चलो बहुत वक्त हो गया अब, हाँ सोने जाओ। जाओ कहाँ जाओ? नहीं पापा हम ऐसे नहीं सोएंगे। क्यों? आप हमें एक लोरी सुनाइए। हाँ बाबा। लोरी मैं हाँ। अरे प्लीज बाबा। मुझे थोड़ी आ। अब यहाँ पे बैठिए। पापा। राधा अपने आप को संभालो, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे बाबा है। दीदी बाबा जिंदा है, हमारे बाबा जिंदा है, और मैं उन्हें एक बेटी की नजर से देख भी नहीं सकती। प्रथा खुशी की बात ये है ना कि बाबा हमारे आंखों के सामने है, अब हमारे हाथ नहीं है, और अब हम तीनों मिलके उस पांचवे असुर को ढूंढेंगे और उसका सर्वनाश करेंगे। अब मैं उस असुर को पाताल से भी ढूंढ के ले आऊंगी। शिव जी की कसम है मुझे दीदी, मैं उस असुर को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी।